रहमान रहीम, मैं हूं जफर शेख और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ZDK वॉइस ऑफ पीस ऑफिशियल। और इस वक्त हमारे इस सेगमेंट में या प्रोग्राम में एक ऐसी बहुत ही प्यारी, मासूम, खूबसूरत शख्सियत, नन्ही शख्सियत, मलक मूसा ताहिर साहब। ये जनाब इनका घर है, बहुत ही माशाल्लाह बहुत अच्छा, और कोपनहेगन डेनमार्क पे इनकी रहायश है। तो ये जनाब हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं, ZDK वॉइस ऑफ पीस के आज के ये मेहमान हैं। तो क्या हाल है मलक साहब, ठीक हैं जी? अच्छा, आप अपना थोड़ा तारफ खुद करवाएं। आपका नाम क्या है? मलक मूसा ताहिर। मलक मूसा ताहिर, अच्छा आप कितनी उम्र के हैं? वग अमल है रू 8 साल। 8 साल के ओटो, अच्छा। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है कि इस प्रोग्राम में शामिल होने का? आप खुश हैं बहुत? जी। अच्छा, तो आपसे सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि आपका घर में जब सुबह आप उठते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले? उठ के फिर मैं फोन पे देखना। अच्छा ठीक है, उसके बाद तैयारी करते हैं स्कूल की? जी। अच्छा ठीक है, तो स्कूल आप चले जाते हैं, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? दूसरी। दूसरी क्लास में, अच्छा। स्कूल में आपके कितने दोस्त हैं? 5। अच्छा, 5 दोस्त हैं आपके, और कहाँ कहाँ से वो हैं? वो कौन कौन से ममालक से हैं? 2 पाकिस्तान। अच्छा। 2 अल्बेनियन से। अच्छा, 2 अल्बेनियन है, ठीक है। तो कैसा लगता है उनके साथ, खेलते हैं आप उनके साथ, पढ़ाई भी उनके साथ करते हैं? जी। अच्छा ठीक है, तो स्कूल में कैसी है पढ़ाई, कैसी मुश्किल लगती है? नहीं। अच्छा, आपको पढ़ाई जाती है स्कूल में? डेनिश, ठीक है, इंग्लिश, अच्छा, मैथमेटिक्स, अच्छा, एक्चुअरिक्निक, ठीक है। तो मुश्किल कौन सी स्पोर लगती है? इंग्लिश। इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश तो आपको सीखनी चाहिए और पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश तो एक इंटरनेशनल स्पो है ना। तो आप डेनमार्क से बाहर अगर जाएंगे आप किसी मुल्क में, तो वहाँ आपको आसानी होगी, तो उसको आपको सीखना और पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो स्कूल में पढ़ाई कैसी है, टीचर कैसे हैं आपके साथ? ठीक। क्लास में कितने आपके स्टूडेंट हैं? इन अच्छू, अच्छा ठीक है। और फिया और दाइंग है, ब्लैन है? या। अच्छा ठीक है, अच्छा। उसके बाद आप जब पढ़ाई मुकम्मल करेंगे बड़े होकर, आप क्या बनना चाहेंगे? गाड़ियों के ऑटो ब्रांच में जाना चाहेंगे, ठीक है। तो वो क्यों आपको अच्छा लगता है ऑटो ब्रांच? गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं जी, ठीक है। गाड़ियाँ ठीक करनी अच्छी लगती हैं या गाड़ियों का बिजनेस करना अच्छा लगता है? बिजनेस करना अच्छा लगता है, अच्छा। तो बड़े होकर इसका मतलब ऑटो ब्रांच में आप जाना चाहते हैं जी, ठीक है, अच्छा। तो डेनमार्क में क्या आपको अच्छा लगता है? गाड़ियाँ। अच्छा, इसके अलावा क्या अच्छा लगता है गाड़ियों के अलावा? स्कूल। अच्छा, तो डेनमार्क में आप घूमे हैं सारे जी? कहाँ कहाँ गए हैं आप? अच्छा, जुलुस है, किम्हाउन, अच्छा, शहर, अच्छा। तो डेनमार्क से बाहर भी आप गए हैं जी? कौन से मुल्क में? थोस्कलैंड जी बता रहे थे, और ऑस्ट्री, अच्छा। तो वहाँ आपको क्या अच्छा लगा थोस्कलैंड में या ऑस्ट्री में? गाड़ियाँ। अच्छा, गाड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। तो गाड़ी आप कब आपने सीखनी है चलाना? ये तो नोरुबलियाटनो। अच्छा, तो अपने भाइयों के साथ कैसा है आपका दोस्ती? ठीक, अच्छी है। खेलते हैं आपके साथ? अपने दादा अबू के साथ भी खेलते हैं जी। अच्छा ठीक, पाकिस्तान आपका, आपके फ्रेलदे का मुल्क है, तो पाकिस्तान आप जाते रहते हैं जी? अच्छा, पाकिस्तान में आप क्या अच्छा लगता है? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल, अच्छा ठीक है। मोटरसाइकिल आप बड़े होके इसका मतलब खरीदेंगे आप जी, ठीक है। तो इसके अलावा क्या आप कुछ कहना चाहेंगे बताएं आप?
अच्छा, ये डेनमार्क में आप रह रहे हैं तो यहाँ का मौसम अच्छा लगता है? जी सर्दी नहीं लगती? थोड़ा। थोड़ा लगती है। अच्छा ठीक है। तो इसके अलावा डेनमार्क तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, तो आप नहीं ज़्यादा घूमे? टिवोली में गए हैं आप जी या क्लैम्पनबो? क्राम छूली अच्छा ठीक है। स्कूल की तरफ से टूर होता है? जी अच्छा तो जाते हैं इसका मतलब है। तो इसका मतलब है आप बड़े होकर ऑटो ब्रांच में जाना चाहते हैं, जी गाड़ियों का बिजनेस करना चाहते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लेना चाहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो इसके अलावा कोई और बात करना चाहते हैं आप? नहीं याद कोई कोई अगर कोई कहना चाहें अपने आपके डैडी क्या करते हैं? फा वाले वाले टैक्सी टैक्सी चलाते हैं। चलाते हैं। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। चलें ये जी मदर नाजरीन हमारे साथ बहुत ही प्यारे और मासूम बेटे जनाब मलक मूसा ताहिर साहब मौजूद थे और इन्होंने अपनी इस्तेताद के मुताबिक गुफ्तगू की। ज़ाहिर है मासूम है, बच्चे हैं अभी, लेकिन इनको कैमरे का बड़ा फेस करने का बड़ा शौक था, तो मैंने ये सोचा कि इनसे इनके दिल की बातें करें। तो इस दुआ के साथ कि ये बड़े होकर जिस तरह इनकी ख्वाहिश हैं वो ख्वाहिशात भी पूरी हों, और जैसा कि इन्होंने कहा कि ऑटो ब्रांच में ये जाना चाहते, गाड़ियाँ रखना चाहते हैं, उनको फिर उनका बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये जनाब हम मौजूद थे एक छोटा सा तारफ सा इन इस मासूम शख्सियत का, मलक मूसा ताहिर साहब का। तो इनके घर हम मौजूद थे कोपनहेगन डेनमार्क में, इनका घर है। इनके वालद साहब का नाम मलक ताहिर और इनके दादा अबू का नाम मलक औरंगज़ेब साहब है, जो कि बहुत ही अच्छी शख्सियत हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये प्रोग्राम, उम्मीद करता हूँ ये आप देखेंगे भी और सुनेंगे भी। और